हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आजकल, इस पर्सन की सोच आपको लेकर, आपके साथ के इस रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है। क्या ये पर्सन आजकल आपको सोच भी रहे हैं या नहीं, और किस वे में आपको सोच रहे हैं, ये चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको हर बात में अपने आप को फिट नहीं करना है। बजाय आपको अपने आप को हर बात में फिट करने के और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग को लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आप इसे बेझिझक देख सकते हैं। व्यूअर्स, ऑल साइन बेस्ड है, हालांकि मैं यहाँ पर आपको राशियाँ भी बताऊँगी। बस आपको इतनी कोशिश करनी है कि रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और जानना चाह रहे हैं कि आजकल इस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स, के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आजकल व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। यू फील लाइक होम टू मी, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, इट रियली वाज मी नॉट यू, लाइंग फॉर मी वाज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ, आई एम करेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ and the grass was not greener on the other side। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन अब आपसे जो भी बोल रहे हैं वो झूठी बोल रहे हैं, यानी कि ऐसा देख पा रही हूँ ये आपसे जो बोल रहे हैं एक्चुअली में वो सच नहीं है, उसके पीछे कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ऐसा भी देख पा रही हूँ अगर आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में खुश हैं या आपसे अलग होकर ये खुश हैं, तो वो एक्चुअली में सच नहीं है, यहाँ पे रियलिटी कुछ और है। ठीक है, पहले कार्ड्स और निकालते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे। गाइड कीजिए, बताइए प्लीज, मुझे गाइड कीजिए। डिफिकल्ट पार्ट, कमिटमेंट फोबिया, इन एंड आउट और ऑन एंड ऑफ, फीलिंग सॉरी, एफर्ट्स एंड बॉटम है आपका मेंटली स्टक। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हो ना हो मेंटली लेवल पर आप पर ही आज भी स्टक है, यानी कि यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में बीते दिनों में हुआ है, चाहे इनकी वजह से हुआ हो, आपकी वजह से हुआ हो, हालातों की वजह से, मजबूरियों की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से हुआ हो, लेकिन ये पर्सन आज भी मेंटली लेवल पर आप पर ही स्टक है। जैसे कहते हैं ना कि घूम फिर कर इनकी सुई आप पर ही जाकर रुक जाती है, ये पर्सन आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आपके साथ इन्हें कैसा लगता था, आपका साथ इनके लिए क्या मैटर रखता था, उस वक्त में ये क्या फील करते थे, और वो फीलिंग थी जैसे कि आप इनका एक घर हो, घर आने का दिल करता था, या आपसे बात करके ऐसा लगता था कि इनका घर पूरा हो गया है या घर पूरा हो जाएगा। तो वो एहसास जो इन्हें उस वक्त पर हुआ करता था, उस एहसास को ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ पर ये इस एहसास को मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें जो रास्ते हैं आपके इनकी तरफ बढ़ने के, वो इन्हें डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेट नज़र आ रहे हैं। रीज़न मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया रहा है। ठीक है, भले इन्होंने इस कमिटमेंट फोबिया को नाम कुछ भी दे दिया हो कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स की वजह से, मजबूरी की वजह से, या जो भी इन्होंने आपके सामने एक्सक्यूज़ बनाया, लेकिन एक्चुअली में मैटर कर रहा है यहाँ पे इस रिश्ते में इस पर्सन के ना खुलने के पीछे का, वो है इनका कमिटमेंट फोबिया। यानी कि ये पर्सन किसी भी कमिटमेंट में बंध कर नहीं रहना चाहते। जब जब यहाँ पर कमिटमेंट की बात आती है, या आप अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं उस कमिटमेंट में रहने की बात आती है,
तब तब ये पर्सन अपने आप को बंद कर लेते हैं, तब तब इस पर्सन को डिफ़िकल्टी फील होने लगती है कि ये खुल नहीं पा रहे हैं, ये बात आपके सामने क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई मुझे कमिटमेंट में रहने में ना एक घबराहट होती है। ठीक है, चांसेस यहाँ पर हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली में किसी ऐसे कमिटमेंट को देखा है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इनका रहा है जिस रीज़न की वजह से भी ये कमिटमेंट से ना घबराते हैं। जैसे होता है कि जैसे अपने पेरेंट्स हैं उनके बीच में खींचातानी रही, तो वहाँ पर इन्हें ये चीज़ें घबराहट फील कराने लगी, अपने ब्रदर की लाइफ में, अपनी सिस्टर की लाइफ में, फ्रेंड की लाइफ में, तो कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने देखी हैं जिस रीज़न की वजह से इन्हें कमिटमेंट में रहने से डर लगता है, और ये चीज़ें आपके सामने ओपनली बोल भी नहीं पाए। वो ये पर्सन फील करते हैं कि मेरे लिए कहाँ डिफ़िकल्टी हुई, उस चीज़ को ये पर्सन जैसे अंदर ही अंदर बोल तो रहे हैं लेकिन आप तक वो पहुँचा नहीं पा रहे हैं, उसे ये आजकल बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इवन ये पर्सन जैसे इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारे मन में इस चीज़ का शक आ रहा है या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ों के पीछे की वजह मैं तुम्हें मान रहा हूँ या तुम्हें मैंने माना या तुम पर ब्लेम लगाए, तो ये सभी चीज़ें नहीं हैं। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, मेरी तरफ से हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर कमिटमेंट में रहने से घबराहट फील होने लगी थी, तो उस चीज़ को ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर आपके पार्टनर अभी भी इन एंड आउट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आप दोनों का रिश्ता चल रहा है ना, तो उसके पीछे की भी वजह ये है, जब जब आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, रिश्ते में फिर से एक बाउंडिंग की बात करते हो, तो वो घबराहट इन्हें फिर से ना आपसे दूर ले जा रही है, और ये पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना इस रिश्ते को कितना ज़्यादा अनहेल्दी कर रही हैं या आपको कितना ज़्यादा ये चीज़ें टॉर्चर कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। उस चीज़ के लिए जैसे ये पर्सन आपसे सॉरी भी कहना चाह रहे हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना उन लोगों में से हैं जो अपनी खामियां ना बताना नहीं चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम इन्हें है या क्या प्रॉब्लम इन्हें हो रही है वो आपको बताने की बजाय ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोलना इस पर्सन के लिए आसान हो रहा है। जैसे कि इस पर्सन ने हमेशा वही रास्ते देखे हों जो इनके लिए आसान रहे हों। ठीक है, तो ये जैसे आजकल इस चीज़ को खुद फील करते हैं कि कहाँ तो इन्हें आपसे सॉरी बोलना चाहिए और कहाँ ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना इनके लिए सच को मानने से ज़्यादा आसान हो रहा है। सच क्या है कि प्रॉब्लम इनमें है कि कमिटमेंट में नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हो या ये थॉट इनके मन में चल रहा है कि जब तक ये खुद से इस चीज़ से डील नहीं कर लेते, जब तक ये खुद से इस पर वर्क नहीं कर लेते, तब तक इनका ना आप तक पहुंचना, आपके पास आना शायद गलत रहेगा। तो ये जैसे कि आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि इन्हें इस कमिटमेंट में रहने से डर ना लगे। चांसेस हैं ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रह रहे हों जहाँ पर ना एक हेल्दी कपल हो, तो ये पर्सन अपनी तरफ से आजकल बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि ये जो फोबिया इनके अंदर, एक घबराहट इनके अंदर है ना, वो ये उससे ये डील कर पाएँ, उससे ये फाइट कर पाएँ। ठीक है, मेंटली लेवल पर ये पर्सन यहीं पर आकर स्टक हो जाते हैं। इवन इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि देखो जो तुम्हें दिख रहा है मेरी साइड से वो सच नहीं है, इस चीज़ को मानो, एक्सेप्ट करो कि जो घास होती है वो भी दोनों तरफ से हरी भरी नहीं होती, जो तुम्हें दिख रहा है मेरी लाइफ में, जो आज मेरा प्रेजेंट तुम्हें दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है मेरा पास्ट भी ऐसा ही रहा हो, हो सकता है मेरा पास्ट इससे भी ज़्यादा भयानक, इससे भी ज़्यादा मेरा जो पास्ट है वो दर्दनाक रहा हो। तो आपसे ये पर्सन जैसे ये कहना भी चाह रहे हैं और ये चीज़ें इनके दिल में, इनके मन में आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रही हैं, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी। और देखते हैं व्यूअर्स अब टैरो से, अगर अभी तक आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर अभी तक आपके कनेक्शन के बीच में ये कमिटमेंट को लेकर इश्यूज रहे हैं और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो भाई एक लाइक ज़रूर से चिपका दीजिएगा। चलिए देखते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल क्या बनी हुई है। द हर्मिट, वर्गों की एनर्जी है,
नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए ये पर्सन आजकल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अकेला रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेट होते हुए देख रहे हैं, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप में नहीं है, वो जो प्रॉब्लम है वो आप में नहीं है, वो इनके खुद के अंदर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर अपने आप में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये पर्सन सोल सर्च करना चाह रहे हैं, अपनी खामियों पे वर्क करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। चांसेस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं, बॉटम जैसे कि डेविल आया है, थोड़ा सा इस पर्सन को कंट्रोलिंग इश्यूज भी रहा है, यानी कि ये पर्सन हमेशा ये चाहते आए हैं कि जो भी इंसान इनके साथ है ना वो इनके कंट्रोल में रहे, इनके मुताबिक चले, लेकिन ये नहीं समझ पाए उस वक्त में कि देखो अगर तुम सामने वाले को कंट्रोल करना चाह रहे हो ना तो तुम बेसिकली उसे घर नहीं, उसे जेल करवाना चाह रहे हो, उसे जेल में रखना चाह रहे हो। तो ये पर्सन ना आजकल इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि मेरे से गलती कहाँ हुई या मेरी सोच कहाँ करप्ट हुई। तो ये पर्सन आजकल ना इसीलिए अपने आप में ज़्यादा रहने हैं बजाय आपकी तरफ बढ़ने के, और इस चीज़ में फ़र्क कर पा रहे हैं कि आपने इनसे क्या चाहा, इन्हें क्या दिया, और इन्होंने बदले में आपको क्या दिया और क्या आपसे चाहा। तो ये चीज़ें ये पर्सन आजकल बेइंतहा सोच रहे हैं और यही इन्हें अकेला कर रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये कैप्रिकॉन एनर्जी है 15 नंबर 6 यानी कि जून मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस हैं आप वर्गो और कैप्रिकॉन इसी तरह से आप एक कपल हो। प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज इस पर मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आजकल क्या सोच बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। टू ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एंड टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि फरवरी मंथ, उसके अलग नंबर 11 यानी कि नवंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ये पर्सन है आजकल, क्योंकि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये खुद क्या चाह रहे हैं, कैसे ये खुलना चाह रहे हैं और कैसे ये बंद होना चाह रहे हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये खुद इस चीज़ को लेकर आजकल बेइंतहा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए आपको ना समय समय पर इस पर्सन की तरफ से एक हलचल दिखाई देती होगी जब ये इन एंड आउट करते होंगे, जिन लोगों के पार्टनर इन एंड आउट कर रहे हैं तो वो एक कन्फ्यूज़न है जिसके चलते आते हैं फिर चले जाते हैं, और जिन लोगों के पार्टनर यहाँ पर इन एंड आउट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन समय समय पर कभी ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, फिर स्टेटस डाल देते हैं, तो अगर ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं तो भी यहाँ पर उस कन्फ्यूज़न की वजह से ही ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये ना बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं आपके सामने सभी चीज़ें क्लियर करने को लेकर कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ये है ना डेविल, मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जी, अपनी गलती को ना मानना, सामने वाले को बस कंट्रोल में करना। तो आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, मैं कैसे ओपन हूँ और कैसे मैं बंद हूँ, तो वो चीज़ें इस पर्सन के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूवर्स के पर्सन की सोच और क्या बनी हुई है, गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, चांसेस हैं दोनों ही वाटर एलिमेंट के हों, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, दिल में इच्छा उमड़ रही है आपसे बात करने की, आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आने की, आपको वो देने की जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप इनसे चाहते हो, तो वो चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा उमड़ रही हैं इनके दिल में। चांसेस हैं जिन लोगों के पार्टनर इन एंड आउट कर रहे हैं ना वो इन करें कुछ ही दिनों में आपकी तरफ, उसके मुझे चांसेस 1 या 2 हफ्तों के बीच बीच में ये वापस से आपकी तरफ इन करें, क्योंकि इच्छा तो इनकी है, या ये पर्सन जानते तो हैं कि इन सभी के पीछे की वजह आप नहीं हो, जिम्मेदार ये हैं, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और जिन लोगों के पार्टनर यहाँ पे इन एंड आउट नहीं कर रहे हैं उनके पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली हो रहा है, चाहत आप हो, शुरुआत आप हो, इनकी अंत आप हो, इनका साथी हमदम आप हो, लेकिन वही चीज़ें हैं कि ओपन नहीं हो पा रहे हैं अपने अंदर इतने सारे कन्फ्यूजन्स को पालने के चलते। तो आजकल ये चीज़ें बहुत उमड़ रही हैं इनके, ये यहाँ पे है, ठीक है।
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर। टेन ऑफ कप्स एंड बॉटन है सेवन ऑफ कप्स। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि देखो आप इस पर्सन के लिए डेफिनेटली वो घर थे जहाँ पर सुकून था, इमोशंस थे, जज्बात थे, लेकिन इस पर्सन ने अपने कंफ्यूजन्स के चलते, इन्होंने अपने झूठ और सच के चलते इन्होंने वो सभी चीज़ें खो दी हैं और आपको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही करके छोड़ दिया है। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर आजकल आपको जैसे सॉरी कहना तो चाह रहे हो, लेकिन ये पर्सन उससे पहले अपने आप पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि इनका ना अब अपने आप पर वर्क करना ज़रूरी है। अगर ये अपने आप पे वर्क नहीं करेंगे ना, तो ये वही उसी तरह से झूठ और सच करने में फिर से अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, फिर से उसी में अपने आप को घेर लेंगे। तो ऐसा कुछ इस पर्सन के दिल में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये इस पर्सन की तरफ से एक एफर्ट ही है, ये तो यहाँ पर है, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है। सिक्स ऑफ कप्स एंड जस्टिस, ये पर्सन देखो आपको याद बहुत कर रहे हैं, मतलब एक मिसिंग एनर्जी जो है ना यहाँ पे इस पर्सन की साइड से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में, बहुत हैवी में मुझे फील भी हो रही है, और यहाँ पे कार्ड्स भी बहुत क्लियरली बता रहे हैं। देखिए ये पर्सन ना आजकल उस चीज़ के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं अपने आप पे वर्क करके, कि ये इस तरह से आपको न्याय दे पाएंगे, आप जो इनसे चाहते हो या आप जो डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलना चाहिए ना, वो ही आपको दे पाएंगे। तो ये पर्सन ना इसीलिए इतना ज़्यादा आजकल आपको सोच रहे हैं, या अपनी कमियों पर ये काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हाँ इन्हें ना आपको न्याय देना ही है। अगर ये आपको न्याय नहीं देंगे तो ये इसी तरह से मेंटली लेवल पर स्टक रहेंगे, परेशान रहेंगे, अंदर ही अंदर ये पर्सन ना दीमक की तरह ख़त्म हो जाएंगे, जैसे दीमक चाट लेती है ना, तो वो चीज़ें ये फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द टावर, यहाँ पर देखिएगा द टावर एंड थ्री ऑफ सोर्स, एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में हैं आप या आपके पार्टनर में हो सकता है। मेंटली लेवल पर इस पर्सन के दिमाग में आजकल तूफान चल रहा है कि आपको जो दर्द दिया है वो दर्द इन्हें भी महसूस हो रहा है, वो दर्द इन्हें भी हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो दर्द आपके नाम लिखा है तो बस इन्हें आपको ही मिल रहा है, इन्हें भी मिल रहा है, क्योंकि ये भी तो अभी तक आपकी एनर्जी से दूर अपने आप को नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज़ें ये पर्सन आजकल फील कर रहे हैं। और वही रिग्रेट इस पर्सन को ना आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको न्याय दिलाने के लिए इस पर्सन को फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये पर्सन ना इस चीज़ को खुद से रियलाइज़ कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर है, ठीक है व्यूअर्स। चलिए देखते हैं मेजर अरकाना से कि अल्टीमेटली इनकी ये एनर्जीज कहाँ तक जाएगी, क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा या नहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। द स्टार एंड बॉटम की एनर्जी है जजमेंट। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना बेसिकली आपको न्याय तो देंगे, ठीक है, ये नहीं देंगे तो यूनिवर्स ना इनके सर पे डंडा मार मार के ना कहीं आपको न्याय तो दिलाएगी। जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका आपको मिलना चाहिए ना, वो आपको मिलेगा विद दिस जजमेंट कार्ड। यहाँ पे एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगा, यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो यूनिवर्स करेगी, जो भी आप उम्मीद बांधे हुए हो, जिस भी चीज़ को लेकर आपने पेशेंस कर रखा है ना, वो यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको दिलाएगी। तो यहाँ पर ये भी चांसेस है कि इस पर्सन का इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचना, एफर्ट करना, अपने आप पे वर्क करना, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ही एक इशारा हो, तो उसके भी कुछ लोगों के केस में मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्स अल्टीमेटली आपकी उम्मीदों को ना कहीं खाली नहीं रहने देगी, इस चीज़ को लेकर आपको अपने आप को पॉजिटिव और होपफुल बनाए रखना होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और आप लोगों का साथ मुझे इसी तरह से मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।